गंधर्व की कार्यधारी श्री राधा विनोद तिवारी की जय हो। शुकार दर्शन भक्ति दान श्री स्वयं महाराज गुरुदेव की जय। लीला प्रभु शुकार दर्शन भक्ति विधान श्री नारायण स्वामी महाराज की जय। लीला प्रभु विष्णुपाल अष्टोदश भक्ति विधान श्री वामन गोस्वामी महाराज जी की जय। परमहंस जय सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर की, परमहंस बाबरी श्री गोरकिशोर दास गोस्वामी महाराज की, सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर की, वैष्णव सार्वभौम जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। गौड़िया वेदांत आचार्य श्री बद्री विद्याभूषण प्रभु की जय। श्री विश्वनाथ ठाकुर की जय। श्री नरोत्तम श्रीनिवास श्यामानंद प्रभु त्रयी की, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ गोस्वामी बात प्रभु की, नामाचार्य श्री वेदास ठाकुर की, प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद शुद्ध गदाधर शिवसाधि श्री गौर भक्तवृंद की, श्री मायापुर नवद्वीप धाम की जय। जय श्री राधा कृष्ण गोपी गोवर्धन दास श्री विनोद धाम की, द्वादश उपवन की, श्याम कुंड राधा कुंड गंगा श्री हरिनाम संकीर्तन की, शुभ संध्या मनोरम आरती की, आरती दर्शन करी समस्त भक्त वृंद की, समागत भक्त वृंद की दाई गौर प्रेमानंदे। कृष्ण भक्ति प्रदायिनी वृंदा देवी।
जय बुलारी जय तुलसी महारानी बुलारी जय तुलसी महारानी हरे हरे नमः कृष्ण यादव नमः यादव माधव कृष्ण Thank you.
साधु आते हैं तो दिन भर बड़ी परेशान
में था तो मधुकरणी करने जा नहीं पाए। मधुकरणी आप जानते हैं, मधुकरणी यानी भिक्षा करने, वो जा नहीं पाए। बारिश होती है, होती भी होती है, करते करते शाम हो गई, बारिश थम गई। एक दुकान में बाबा को बड़ी जोर की भूख लगी है, लेकिन तभी अपना भजन करते जा रहे भगवान भरोसे, कभी चला तो कभी मना, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। अब वो आगे जाने लगे, उन्होंने देखा एक पराठे की दुकान खुली हुई है, वो गर्मा गर्म पराठे सेक रहा है। तो बाबा के मन में थोड़ी सी इच्छा भी, काल से पराठा मुझे मिलता, मैं इसको ठाकुर को भोग लगा के इसका प्रसाद ग्रहण करता। फिर बाबा ने कहा नहीं चलो छोड़ो, जो होगा ठीक है। तो बाबा जाने लगे, तो देखो भगवान ने उस पराठे वाले के हृदय में कैसे प्रेरणा दी, या जो पराठे वाला था ना उसके मन में प्रेरणा हो गई अपने आप ही भगवान ने। कैसे दी, पहला पराठा है, सुबह से मैंने एक भी पराठा नहीं मंगाया है ना, बारिश हो रही थी, तो मैं काम करता हूँ इस पराठे को साधु को दे देता हूँ। तो उसने बोला बाबा इधर आओ, बाबा जी का कौन बुला है, बाबा इधर आओ, और गर्मा गर्म पराठा बाबा को दे दिया, ये दो बाबा। बाबा बड़ा प्रश्न हो गया, बाबा कहने लगे तो मैं मन में विचार कर ही रहा था, पराठा मुझे मिल जाता गर्म गर्म, मैं ठाकुर जी को भोग लगा के इसको ग्रहण करता, ये तो भगवान ने भी सुन ली। तो बड़े मन पछताने लगे, मैंने कैसे भगवान को परेशान कर दिया है ना अपनी इच्छा के लिए, लेकिन भगवान को कहते भगवत सर है। तो बड़े प्रसन्न भी हुए कि भगवान कैसी कृपा है, कि भगवान कैसे हृदय की बात भी जान लेते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, उन्होंने को मानसिक भगवान को भोग लगाया पराठा, उसके बाद उसको ग्रहण किया बड़े आनंद से। जब आनंद से उन्होंने बड़े ग्रहण करने के बाद उन्हें तृप्ति हो गई, अब क्या हुआ उनके अंदर भाव उद्दित हो गया भगवान के प्रति, और वो हरी बोल करके नृत्य करने लगे। अब हमारे क्या होता है, हरी बोल में उछलना पड़ता है ना, तो बाबा भी हरी बोल, और बरसात का समय, अब हुआ क्या, कीचड़ थी, कुछ छींटे उछल के पड़ोस में खड़े एक प्रेमी और प्रेमिका खड़े थे, ठीक है, वो छींटे उछल के कुछ लड़की के सफेद रंग के कपड़ों में जाके गिरे, और लड़की ए बाबा क्या करता है। तो बाबा साहब ने क्या होता देखा, तो थोड़े से छींटे उस लड़की के कपड़ों में गिरे गए थे। अब जो उसका प्रेमी था ना लड़का, उसको बड़ा गुस्सा आया, उसने देखा अच्छा मेरी प्रेमिका के कपड़ों में से छींटे मारते बाबा ने कीचड़ के, वो गया उसने एक जोरदार चांटा लगा दिया बाबा को। बाबा संदेह में कि क्या हो गया, और भगवान को देखते ऊपर देखे कह रहे हैं वाह भगवान तुम्हारी क्या माया है, पहले गर्मा गर्म पराठा फिर गर्मा गर्म चांटा है बाबा का, भगवान रास्ता में गर्मा गर्म कर दिया बिल्कुल है। लेकिन भक्त क्या है, उन्हें जो भी मिलता है उसके उसे ग्रहण करते हैं, और भगवान को देख के सोच रहे हैं भगवान को देखिए मेरी तो आपकी इच्छा से ही मिला है, पराठा भी आपकी इच्छा से मिला और एक चांटा भी आपकी इच्छा से ही मिला, कोई बात नहीं। बाबा ने उसको भी ग्रहण कर लिया, जाने लगे। अब वो जाने लगे तभी वहां से प्रेमिका भी जो थे वो भी जाने लगे। अब वो अपने जैसे उस लड़के ने अपनी बाइक निकाली, हुआ कि बरसात का समय था, उसका पैर फिसला और वो इतनी तेज गिरा कि उसका हाथ, जिस हाथ से उसने बाबा को चांटा मारा था उस हाथ के बल गिरा, और तो वो बाइक भी गिर गई और उसका हाथ भी टूट गया, उसका सर भी टूट गया। अब वो जो लड़की है वो रो रही है कि उठाओ कोई जो गाँव, बाइक उसके ऊपर गिर गई, उसके सर में बाइक गिरी, उसका खून निकल गया, हाथ टूट गया और बेहोश हो गया। और लड़की जिसके कपड़ों में थोड़े से छींटे गए थे, अब उसके पूरे कपड़े खून में सड़ गए, अब चिदारी में मदद करो मदद करो। लोग आए उन्होंने उसे उठाया, बाइक उठाई, अब एक सारा दृश्य बहुत देख रहा था, एक पराठे वाला देख रहा था, वही पराठे वाला। उसने कहा बाबा इधर आओ, बाबा आपने अच्छा नहीं किया। बाबा ने कहा भाई मैंने क्या किया, कह रहे बाबा आपने अच्छा नहीं किया, आपने उसे शराब क्यों दिया, उसने आपको चांटा बोला था आपने उसे शराब क्यों दिया है, वो देखो बोलने वाली हालत में हुआ है। बाबा कह रहे मैंने तो कुछ करा ही नहीं। बाबा ने कहा ठीक है अच्छा मुझे एक बात बताओ, पराठे वाले से बोला उसने कान से सुना, मुझे एक बात बताओ, मैंने हरी बोल किया छींटे गए उस लड़की पे, उस लड़के ने मुझे चांटा क्यों मारा। अरे बाबा तुम्हें इतना नहीं पता, वो उसका प्रेमी है। बाबा ने कहा हाँ मैं भी यही बताना चाह रहा हूँ, कह रहा हूँ बाबा ने कहा कि उस मैंने उस लड़की के कपड़ों में छींटे मारे, उसके प्रेमी ने मुझे थप्पड़ मारा, उससे सहन नहीं हुआ,
तो जो मेरा प्रेमी है, मेरा भगवान, उसे कैसे सहन होगा, वो कैसे सहन कर लेगा है? तो भगवान कभी नहीं सहन करते। देखो उसके प्रेमी भगवान, वो जब उसका प्रेमी जो साधारण जगत का लड़का वो नहीं सह पाया, डरते के जो प्रेमिका के कपड़ों में छीटे, तो जो भगवान अपने भक्तों के अंदर चाहना सह सकेंगे, नहीं सहेंगे। तो जो ये सुन के पराक्रम सन्न रह गया और बाबा हरिबोल करते करते निकल गए। तो बताया कि जो भगवान है ना, भक्तों की हर एक छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखते हैं, एक सुई से लेकर एक बड़ी तलवार तक, मतलब कुछ भी नहीं, एक छोटी से छोटी चीज का। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, अन्य अन्य चिंतन हम तो मामे कल करुपासु तो ऐसा नित्य अभिव्यक्त नाम योग क्षेम मयामी हम। जो अन्य अन्य भाव से भक्ति करता है ना, उसको मैं सब कुछ प्रदान करता हूँ, जो उसकी वस्तु है उसकी रक्षा करता हूँ और जो नहीं है उसको प्रदान करता हूँ। एक उड़ीसा की एक माता जी थी, उड़ीसा की, उनका नाम मुझे याद नहीं अभी। वो माता जी क्या थी, वो लोगों के घर विधवा थी, वो लोगों के घर में जाके झाड़ू पोछा बर्तन करके थोड़ा बहुत पैसा कमा मिल जाता था उसे। तो जो भी उसे धनराशि मिलती थी वो क्या करती थी, उसका संतों की सेवा में लगाती थी। आधा तो अपने घर में रखती थी, आधा संतों की सेवा में। तो उसकी एक सेवा थी, वृक्ष सेवा, वो फूलों की माला बनाती थी। रोज सुबह जाती थी मंडी, फूलों की फूल लेके आती थी, फूलों की बड़ी प्यारी प्यारी सुंदर माला बनाती थी और ठाकुर जी को अर्पण करती थी। और कोई संत लोग आए होते थे, उन संतों को माला पहनाती थी। रोज का नियम था उसका, रोज का, इतनी अच्छी। और दिन भर फिर अपना भगवान का नाम जप कर रहा है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो गांव वाले ने उसका नाम रख दिया कृष्णा भाई, ये कृष्णा कृष्णा करते रहते, इसका नाम कृष्णा भाई। सब कहते हैं पगले गए हैं, ये देखो से रोज दिन में 100-50 रुपए मिलते हैं, 10-20-50 रुपए मिलते हैं, उसमें से भी 20-30-40 रुपए के तो फूल ले आती है, धागा ले आती है, मंदिर जाती है वो माला पहना देती है। ऐसा नहीं चलो बेच दू फूल, थोड़ा पैसा मिले, ये बेकू है, ये बुढ़िया सत्य है, ये पागल बुढ़िया है, सब उसका ही छेड़ते थे बुढ़िया को। अब एक दिन बुढ़िया थे जो सोई थी कृष्णा भाई, उसके रात में स्वप्न में भगवान आए। भगवान ने कहा कृष्णा भाई के, काम करो तुम इस गांव को छोड़ के चले जाओ, इस गांव को छोड़ के चले जाओ, क्योंकि इस गांव में कल बाढ़ आने वाली है। वो सुबह उठी, उसने पूरे गांव वालों को बोला कि गांव वालों कल सुबह बाढ़ आने वाली है, काम करो आप सब लोग गांव छोड़ के चलो, यहां से चलो, बाढ़ आने वाली, बाढ़ कल सुबह बाढ़ आने वाली है, मेरे स्वप्न में भगवान आए थे, तुम चलो बाढ़ आने वाली है। सब लोग कह रहे हैं बुढ़िया पागल हो गई है, चल। किसी ने उसकी बात नहीं मानी। अब उसने क्या करा, एक टांगा वाला था, घोड़ा गाड़ी वाला, उसको बोला भैया मुझे इस गांव से दूर पहुंचा दोगे? तो टांगा वाले ने कहा भैया पैसा लगेगा। उसने कहा ठीक है मैं आपको पैसा दे दूंगा जो भी लगेगा। उसने कहा ठीक है। टांगा वाले ने कहा चलो बुढ़िया है, देखो दरी चाल है, उसको मैं ले जाऊंगा। तो वो पूरे अपने जो भी थोड़ा सा सामान था उसने रखा उसने बैलगाड़ी के आगे में और चल दी। और चलते 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 जब आगे गई तो हुआ क्या, उसको थोड़ी सी तंद्रा आ गई, निंद्रा आ गई, वो थोड़ी सी हल्की सी झपकी लगी। तभी भगवान आ गए स्वप्न में कि हे कृष्णा भाई तू कुछ भूलती है ना, पुलिस कर अपने घर में। तो कह प्रभु मैं क्या भूली, कह रहे तू तो अपनी सुई को भूल गई घर में, तो मेरी माला कैसे बनाएगी। उसको झट से नींद खुली उसकी, उसने कहा हाँ मैं तो सुई भूल गई। उसने तो दोबारा बैलगाड़ी करके बोला भैया भैया मैं घर में सुई भूल गई हूँ। बैलगाड़ी वाले ने बोला अरे पागल हो गई है क्या, मैं तुझे वापस लेके जाऊंगा क्या। उसने बड़ी प्रार्थना की बैलगाड़ी वाले से कि भैया मुझे छोड़ दो, मेरी कुछ सामान रह गया है, मेरी सुई रह गई है। उसने कहा अरे बुढ़िया पागल हो गई है, गांव में इसका बुरा हाल हो रहा है। उसने कहा चल ठीक है लेकिन मैं दुगने पैसे लूंगा। उसने कहा ठीक है, बुढ़िया ने कहा ठीक है मैं झाड़ू पोछा करके तेरे सारे पैसे चुका दूंगी, मुझको तेरे घर पहुंचा दे। वो बैलगाड़ी वाला से दोबारा उसके घर ले गया, घर ले गया। बुढ़िया ने उस सुई अपनी एक सीकरी में लगा रखी थी ठाकुर की, उसकी झोपड़ी थी, उसने उस सुई निकाली और वापस आने लगी। जब वो वापस आई, जैसे वो पहाड़ी पे पहुंची जो ऊंचे रास्ते पे, उस जो गांव का जो वो था क्या बोलते उसका बॉर्डर, बॉर्डर को क्या बोलते वहां का ऐसा कुछ स्थान था कि उसकी सीमा थी। जैसे वो गांव की सीमा से निकली, इतनी जोरदार वहां बाढ़ आई, पूरा गांव जल में हो गया, सारे लोग डूब गए। जब टांगे वाले ने देखा वो देख के हैरान, ये तो बुढ़िया सही कह रही थी। बुढ़िया जब तक गांव में थी बाढ़ नहीं आई, जैसे ही बुढ़िया बाहर निकली
थाली पे अपना
काला पड़ जाएगा, तू घर चल। तो वो बोलते, कन्हैया बोलते हैं कि अरे भाई मेरा पीताम्बर तो दे दो। तो वो व्यक्ति बोलता है मैं शाम को घर आके दे दूंगा, तू घर चल अभी। तो जब चले जाते हैं श्री कृष्ण, शाम को वो आगोगरा होके आता है और आते ही साथ गुरुदेव पे भड़कने लगता है कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है, जिसके लिए मैं अपना सब कुछ छोड़ कर आया, तुमने फिर उसे ही खाना देने के लिए भेज दिया। तो गुरुदेव कहते हैं अरे भाई मैंने तो किसी को नहीं भेजा, तूने भांग पी रखी है क्या, क्या सबूत है तेरे पास। तो व्यक्ति अपने बराबर में से पीताम्बर निकाल के देता है कि देखो उस बालक ने मुझे ये पीताम्बर दिया था। तो वो देखते साथ गुरुदेव उससे हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं कि तू तो श्री कृष्ण का पक्का ही भक्त है। तो गुरुदेव उसे मंदिर के पुजारी जी के पास ले जाते हैं और बोलते हैं कि हे पुजारी जी, ये श्री कृष्ण का पक्का भक्त है, इसे श्री कृष्ण की भक्ति का कुछ काम दे दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे से कोई अपराध हो जाए। तो वो पुजारी जी उसे मंदिर के चौकीदार बना देते हैं, बोलते हैं कि आज से तुम यहाँ पे ही बैठे रहना, जब द्वार बंद हो जाए तो किसी को ना तो अंदर जाने देना और ना ही बाहर जाने देना। बोलता है ठीक है। वहाँ भी तीन चार दिन बीत जाते हैं। तो एक दिन अचानक से वो एक छवि देखता है, एक बालक को जल्दी से निकलते हुए देखता है और सोचो पड़ जाता है अरे ये कौन बालक आया है। तो वो देखता रहता बैठा रहता है। जब 3:30 बजे श्री कृष्ण निधि वन से लौट रहे हैं तो तभी वे तुरंत ही अंदर जाते हैं और वो देख के चौंक जाता है कि इतना सा बालक ताला लगने के बाद अंदर कैसे जा सकता है। वे सोचता है लगता है ये वही बालक है जिसकी कथा मैं सुन के आया था। तो अगले दिन जब श्री कृष्ण मंदिर से निकलते हैं निधि वन के लिए, तो वे रुक के वहाँ पे उस व्यक्ति को देख के थोड़ा सा मुस्कुराते हैं। उनकी मुस्कान देखते ही वो व्यक्ति पूरा पागल हो जाता है और थोड़ी देर बाद बोलता है अरे तुम कहाँ जा रहे हो। वो बोले क्या, कन्हैया बोले कि मैं निधि वन में जा रहा हूँ। बोले क्यों, तुम्हें नहीं जाने दूंगा मैं, अगर तुम वापसी नहीं आए तो मैं किसे जवाब दूंगा, क्या कहूँगा मैं, तुम्हारे लिए मुझे यहाँ बैठाया मैं किससे क्या कहूँगा। तो वो बोलते हैं कि नहीं मेरे जाना जरूरी है। बोलते हैं ठीक है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। तो वे एक डंडी लेके उनके साथ चलने लगते हैं। वहाँ जाके कन्हैया बोलते हैं कि तुम यहाँ बाहर बैठ जाओ मैं अंदर जाऊँगा। तो वो बोलते हैं नहीं मैं भी साथ में चलूँगा। बोलते हैं नहीं मैं जा सकता हूँ तुम यहाँ बाहर बैठ जाओ। तो वो बाहर बैठ जाता है। तो जब अंदर जाके कन्हैया लीला करना शुरू करते हैं सखियों के साथ, तो वहाँ से बांसुरी की आवाज़ आती है, पायल की आवाज़ आती है। यह देखते साथ वो व्यक्ति सोचता है अंदर क्या हो रहा है, मैं भी जाके देखता हूँ। तो वो अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद जब वो देखता है कन्हैया डांस कर रहे हैं, सबके साथ नाच रहे हैं, तो देखते साथ चौंक जाता है। नाचते नाचते कन्हैया के पैरों के पायल के घुंघरू टूट जाते हैं, हाथ लगने से माला टूट जाती है। तो वो सभी समेट के अपने झोले में बंद कर लेता है। और जब वहाँ पे डांस वन समाप्त हो जाता है तो वह अचानक से कन्हैया के आगे खड़ा हो जाता है। कन्हैया जी ये कहे कि तुम यहाँ कैसे हो, उससे पहले वो उन पर भड़कने लगता है। बोलता है अरे तू यहाँ क्यों, मैंने सोचा तू यहाँ भला काम करने के लिए आया होगा, तू तो लुगाइयों के साथ डांस करने लग रहा है, तुझे शर्म नहीं है, पूरे दिन तो तू दर्शन देता है भक्तों को, रात को लुगाइयों के साथ नाचता है, तू नहीं तो काला हो रहा है, तू नहीं तो दुबला पतला हो रहा है। तो वो कन्हैया को ही सुनाने लगता है। भगवान जी उसके प्यार के भक्ति को देख के उसे देखते रहते हैं। और जब वो वापसी आ जाते हैं तो वो व्यक्ति वहाँ पे बाहर बैठ जाता है। 4:35 पुजारी जी द्वार खोलने के लिए जाते हैं, देखते साथ वो व्यक्ति जब उसकी आँख खुलती है तो बोलता है अरे पुजारी जी क्या कर रहे हो। बोले कि मैं द्वार खोल रहा हूँ भगवान जी को जगाना है। कह रहे नहीं अभी तो ये यहाँ आके सोया है, अभी तो लुगाई के साथ डांस करके आके सोया, अभी आप इसे जगा दोगे। बोले क्या नाम की तू क्या बोल रहा है। कह रहे देखो मैंने इसके घूंघरू और ये माला इकट्ठी कर ली थी। तो वो देखते साथ पुजारी जी भी रोने लग जाते हैं, बोलते कि तू तो सच्ची में भगवान का सच्चा भक्त है। और रोते रोते कहते हैं कि जिस तरह भगवान ने इसे दर्शन दिए, हे भगवान आप मुझे भी दर्शन दें। जय श्री राम। बच्चों में बोले तुम प्रॉब्लम था अब लेट ना ओ मैं ज्ञान के ग्राम दस ज्ञानांद ने सहा किया चक्षु रुक्तिकम देना तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय सदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः।
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सब एक बार हाथ उठा कर बोलो बोला हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 और एक बार जोर करके बोलो बोला हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोदर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोदर सतश्री श्री श्रीमद भक्तिवेदांत श्रीलव नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हम लोग श्री चैतन्य भागवत श्रवण कर रहे थे। पहले हम लोग श्रवण कर रहे थे, एक ब्राह्मण था जिनका नाम था तपन मिश्र। मिश्र मतलब वो ब्राह्मण ही, लेकिन उन्होंने एक प्रश्न, उन्होंने सब लोग एक प्रश्न किया, लेकिन जिनका प्रश्न का उत्तर सही सही कोई भी नहीं दे पाया। वो प्रश्न था जीवन में हमें क्या करनी चाहिए और हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हम करना चाहिए क्या और हमारे जीवन का लक्ष्य किया और हमें मिलेगा क्या। उन्होंने सब लोगों को उन्होंने एक ही प्रश्न किया, लेकिन ये प्रश्न का उत्तर उन्होंने सब लोग अलग 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 रूप में सबके सब इसको उत्तर दे रहे थे। जैसे इसी जगत में अगर साधारण लोगों को अगर कोई पूछोगे सबके सब अलग 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 उत्तर मिलेगा। कोई बोलेगा पूजा करो, कोई बोलेगा पुरस्करण करो, कोई बोलेगा व्रत करो, कोई बोलेगा स्वाध्याय करो, हैं कोई आसन, कोई हैं सबके सब अलग 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 बात करते थे, लेकिन उसका सही सही प्रश्न किसी से उनको मिला नहीं। जब मिला नहीं, उन्होंने भगवान से प्रार्थना करते थे, बोले प्रभु इसका उत्तर क्या मेरे को कहीं से नहीं मिलेगा। वो ब्राह्मण बेचारा भक्त है, लेकिन अगर हृदय से आप भगवान को पुकारना, भगवान आवाज़ देते हैं, भगवान आवाज़ देते हैं। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन तेसाम सतत युक्ता नाम भजतम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम जनमाम उपजाति। इसका मतलब है अगर सच दिल से कोई अगर भगवान को पुकारे, सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, अगर कोई प्रीतिपूर्वक मेरे कोई भजन करता है, उसको मैं बुद्धि जो भावना सबके सब में उसको प्रदान करता। ठाकुर कहते हैं ना, मेरे तरफ में तुम एक कदम चलो, मैं तेरे तरफ में 10 कदम चलूँ, भगवान कहते हैं ना। इसलिए जैसे ध्रुव महाराज ने तपस्या की, भगवान नारद जी को भेज दिया, प्रह्लाद ने भजन किया, नारद जी आ गए। इसलिए जब जब कोई सच हृदय से भगवान को पुकारे, भगवान जरूर कुछ ना कुछ ठाकुर जी हमें व्यवस्था ठाकुर जी कर देते हैं। जब उन्होंने हृदय से बहुत बहुत ही व्याकुल हो गए, तब उन्होंने एक ब्रह्म मुहूर्त में एक स्वप्न देखा। अब देखना, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त समझते हो, एकदम सवेरे सवेरे कोई भी आप स्वप्न देखोगे, देखना वो स्वप्न आपको सही होगा, वो स्वप्न आपको सही होगा। ब्रह्म मुहूर्त में जो स्वप्न देखोगे, उन्होंने ब्रह्म मुहूर्त में उन्होंने स्वप्न देखा। बोले क्या उन्होंने स्वप्न देखा, उन्होंने देखा एक देवता प्रकटित होकर के बोले बेटा कोई चिंता मत करो, तुम्हारी प्रश्न है ना जीवन में साधन किया और साध्य किया। साधन मतलब हम क्या करनी चाहिए, साध्य मतलब हमारे लक्ष्य व प्राप्य वस्तु किया है। देखना कल सवेरे एक महापुरुष, ये देवता लोग कह रहे एक महापुरुष तुम्हारे गांव में आएंगे जिनका नाम श्री चैतन्य महाप्रभु सचिनंदन श्री गौर हरि, तुम उनको पास में जाओ,
तुम्हारी प्रश्न का सारे उत्तर वहीं पर मिल जाएगा। तब हमने जो स्वप्न देखा सचमुच से दूसरे दिन देखा, वहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर आए। जब चैतन्य महाप्रभु आए और वो देवता ने दर्शन देकर के बोले, देखो ये बात तुम किसको बोलना नहीं, ये बात किसको बोलना नहीं कि जो चैतन्य महाप्रभु ये और कोई नहीं, ये स्वयं कृष्ण ही है। कलयुग में राधा जी की भाव और अंगकांति लेकर के जगत में हैं, कहते अपना प्रेम का आस्वादन करने के लिए, राधा रानी की प्रेम का आस्वादन करने के लिए आए और जगत में ये हरि भक्ति को जगत में प्रचार प्रसार करने के लिए आए। लेकिन ये वेद गोप्य रहस्य, ये बात तुम किसको बोलना नहीं, अगर तुम बोलोगे फिर तुमको दुख कष्ट प्राप्त होगा। उन्होंने ये बोल करके अंतर ध्यान हो गई। सबरे सचमुच से श्री चैतन्य महाप्रभु आए, सब उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु से मिले। जब मिले तब उन्होंने महाप्रभु को बोले, प्रभु बोले साध्य साधन तत्व किछु ना जानी, कृपा करी आमा प्रति कहत अपन। बोले हे प्रभु, मेरे को ये पता नहीं जीवन में क्या करनी चाहिए और जीवन में क्या प्राप्त करें जो वास्तव रूप में जीवन में शांति और सुख में, हमें ये चीज़ बतानी। लेकिन हम लोग क्या समझते हैं शांति सुख कैसे मिलेगा, शायद पढ़ाई लिखने करने पर शांति सुख मिलेगा, पढ़ाई लिखाई कर दिया तब शांति सुख नहीं मिला। बोले कोई अगर बढ़िया है कि नौकरी मिल जाएगा शायद शांति मिलेगी, बढ़िया से नौकरी कर ले शांति नहीं, सोचता है अगर शादी हो जाए ना शादी शांति मिलेगी, शादी हो गई तब चैन नहीं, फिर सोचते हैं अगर बच्चे हो जाए कि शांति सुख मिलेगा, बच्चे हो गए तभी शांति नहीं, सोचते हैं बच्चों को लिखा पढ़ा सिखा करके उनको शादी शुदा कर देंगे तो शांति मिलेगी। आप देखना एक को बाद में एक, एक को बाद में एक, एक को बाद में एक है ना। एक समस्या अगर सामने खड़ी है, हम कोशिश करते हैं किसी तरह से ये समस्या हल हो जाए ना शांति मिलेगी, लेकिन आप देखना एक समस्या तो गई नहीं, सामने दूसरी समस्या, दल 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 में एक जीवन में फंस जाते हैं। लेकिन देखो ये जो प्रश्न है ये कितने बढ़िया प्रश्न हैं, हम जीवन में इसे क्या करें जीवन में जो कि सचमुच से आत्मा को परम शांति मिले और जीवन का समस्त दुख हमारे खत्म हो जाए, ये प्रश्न है, हैं? देखो इसका प्रश्न स्वयं ठाकुर जी स्वयं इसका प्रश्न देते उत्तर देते हैं। इसलिए कहते हैं मेरे को जीवन में पता नहीं क्या करनी चाहिए, क्या मिलने पर शांति मिलेगा। जब उन्होंने ये बात को बताए तब श्री चैतन्य महाप्रभु कहते, देखो तुम बड़े भाग्यवान जो कि तुम्हारे हृदय में ये प्रश्न जाए। लेकिन साधारण लोगों को प्रश्न करो किसको हृदय में कभी आता है भैया जीवन में वास्तव शांति कैसे मिलेगा, अगर वो साधु संतों के पास में जाएंगे ना वो फिर क्या मांगेंगे, वो शांति सुख के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, वो बोलेंगे हमारे बेटा की ये हो जाए, बेटी की ये हो जाए, हमारी नौकरी मिल जाए, हमारी ये मिल जाए, ये यही सब बात करेंगे। लेकिन आत्मा को शांति की बात कोई करेगा नहीं और कृष्ण भजन कोई करना नहीं चाहेंगे। इसलिए महाप्रभु कहते, भैया तुम जगत में बड़े भाग्यवान हो जो कि तुम्हारे हृदय में ये प्रश्न जगा है, परम शांति कैसे मिलेगी आत्मा को और जीवन का लक्ष्य क्या है और जीवन में हमें क्या करनी चाहिए। तुम बड़े भाग्यवान, प्रत्येक बच्चे भगवान की भक्ति साधारण व्यक्ति नहीं करते हैं, बड़े भाग्यवान व्यक्ति भगवान की भजन करते हैं। इसलिए भागवत में बताए, भवा अपवर्ग भ्रमेत जदा जनस्य तहिर अच्युत सत्समागम। जीवन में साधु संग और जीवन में भगवान कब जी भजन करता है, बोले जब ये संसार में भटकते भटकते जीवन का जब समस्त दुख कष्ट खत्म हो गया और उसको संसार का दुख कष्ट भोगना नहीं, जीवन में उसका सारे दुख समाप्त हो गया, बोले तहिर अच्युत सत्समागम, तभी जीवन में भक्तों का संग हर चीज भगवान की भक्ति करता है। फिर जब भगवान की भक्ति करे बोले तत्प्रसादात परम शांति, भगवान की कृपा से परम शांति परम सुख भगवान की कृपा से ही मिलता है। देखो ये चैतन्य महाप्रभु यहाँ क्या कहते हैं, कहते ईश्वर का जो भक्ति है ये बड़ी दुर्गम है, भगवान की भक्ति का तो भक्ति मार्ग यह कोटी कंठ गरुड़, भक्ति का जो मार्ग है विरल व्यक्ति भक्ति मार्ग में आते हैं, लेकिन भक्ति मार्ग में बड़ा दुर्गम रास्ता है। बोले देखो चार युग है,
सत्य, तृतीया, द्वापर और कलयुग, ये चार युग। कहते ये चार युग में बोले चार युगे ये चार धर्म बाखा नित्य तले, इसलिए चार युग में चार धर्म। कलयुग में क्या है? चार धर्म है। सत्य युग का जो महामंत्र क्या था कोई बोल सकता है? सत्य युग में सत्य युग का कौन सा मंत्र जप करके जीव संसार से उद्धार होते थे? बोलो जोर से, ध्यान। कहते वो तो ध्यान तो करते थे, सत्य युग का कौन सा मंत्र था लोग जो मंत्र को जप करके संसार से उद्धार होते थे? बोलो कौन बोलेगा, किसको याद? क्या बोल रहे हैं प्रभु जी? हाँ, प्रभु के लिए ताली बजाओ प्रभु के लिए, सही सुनते। इसलिए कहती है सत्य युग का, ये सत्य युग का महामंत्र है, नारायण परावेदा, नारायण परामखा, नारायण पराजज्ञ, नारायण परामुक्ति। कहते ये सत्य युग में ये मंत्र था महामंत्र, इसको जप करते हुए संसार से लोग पार हो जाते। तृतीया युग आया, बोले तृतीया युग का महामंत्र क्या था? बोला कौन बोला? हाँ हाँ, इसलिए तृतीया युग का जो महामंत्र था राम नारायण अनंत मुकुंद मधुसूदन, उसके बाद में कृष्ण केशव कंसार हरे वैकुंठ मामन। कहते ये तृतीया युग का ये महामंत्र था, तृतीया युग में लोग ये मंत्र को जप करते थे, हैं। फिर द्वापर युग आ गया, फिर द्वापर युग में द्वापर युग का महामंत्र क्या था? हाँ, हरे मुरारी मधुकैट भारी गोपाल गोविंद मुकुंद सौरी जज्ञेश नारायण कृष्ण विष्णु निराश्रय माम जगदीश रखे। ये था तृतीया युग का महामंत्र है, इसलिए बच्चे लोग सुन लिख लेना बाद में, ठीक है। और जो कलयुग का जो महामंत्र है ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम भुमत राम राम। और अगर जो से बोलो बोला हरे का महामंत्र। बोले कहाँ लिखा हुआ है? बोले कलि संतरण उपनिषद में लिखा हुआ, नारद पुराण में लिखा हुआ है। बोले कलि संतरण मतलब कलियुग, मतलब कलि मतलब ये कलियुग, संतरण मतलब होता है तैरना, है। अगर कोई भवसागर से कलियुग में तैरते हुए भगवान तक अगर कोई पहुंचना चाहते हैं, वो उपनिषद में सब युग का मंत्र वहाँ लिखा हुआ है। और शंकर जी पार्वती को भी यही कहते हैं, बोले पार्वती बोले इति षोडश नाम, इसको याद कर लेना है। जैसे हम लोग कलयुग में ये हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, कोई बोलेगा भैया कहाँ लिखा हुआ हरे कृष्ण महामंत्र जप करने का, कहाँ लिखा हुआ? फिर आप लोग ये श्लोक को आप बता सकते हो, शंकर जी पार्वती को कहते हैं बोले इति षोडश नाम कलि कल्मसनासनम नात परत उपाय सर्व वेद सुदृश्यते। हे बोले हे पार्वती, समस्त वेद में लिखा हुआ है इति षोडशक नामनम, ये जो 16 नाम है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये 16 नाम और 32 अक्षर है। ये 16 नाम जो 32 अक्षर, कली का जो पाप को कौन नष्ट करेगा? यही 16 नाम 32 अक्षर ही नष्ट करेगा। बोले और कोई उपाय नहीं कलयुग में, कलयुग केवल नाम आधार है। इसलिए ये प्रमाण है शंकर जी, और हमारे गुरुदेव ने तो एक ग्रंथ निकाली जिसका नाम हरिनाम महामंत्र, यहाँ से मिलता है आप लोगों को पढ़ना। कितने कितने श्लोक में हैं, फिर कलयुग में फिर कोई कोई क्या कहते हैं, बोले राम तो कोई एक माता जी यहाँ पर प्रश्न कर रहे थे, बोले बाबा हमारे घर के पास में एक कहते हैं राम तो तृतीया युग में आए और कृष्ण तो द्वापर युग में आए, इसलिए पहले हरे राम करनी चाहिए, उसको बाद में चलिए हरे कृष्ण करनी चाहिए। कुछ लोगों का ये भी प्रश्न है। हाँ, कहते ये जो महामंत्र में इसमें जो अयोध्यापति दशरथ नंदन जो राम है, कहते इनका नाम इसमें नहीं है, हैं, जो इनका नाम इसमें नहीं है। पर बोले इसमें जो राम हरे राम, बोले हरे तो मतलब वही हारा, कृष्ण का मन को हरण करती है,
इसलिए हरा से हो गया हरे राधे, राधा का साथ में तो श्याम रहेंगे ना, फिर राम कर जाएंगे। राम तो सीता को साथ में रहते हैं, राम सीता को साथ में, राधा को साथ में नहीं। बोले इसमें जो हरे राम बताए, बोले यहाँ पर जो राम है कद राधा रमय अतिथि राम। हम कहते ना जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय, कहते ना राधा रमण हरि। इसमें जो राम जो शब्द है ये राधाकांत, राधा रमण राम श्री कृष्ण के लिए बताया गया, क्योंकि जो इष्ट है इष्ट कभी दो नहीं होते हैं, इष्ट एक ही होते हैं, हैं? इसलिए जो गुरु से हम कभी मंत्र लेते हैं कभी इष्ट दो का कभी मंत्र नहीं देता, एक इष्ट का ही मंत्र देता, इष्ट एक होते हैं। इसलिए ये महामंत्र में केवल श्री राधा रमण राम का नाम, ये इसका विशेष अर्थ। लेकिन साधारण रूप में अर्थ लोगे हरे मतलब हरि का नाम, दुख कष्टों को हरते हैं, कृष्ण मतलब कृष्ण का नाम, राम मतलब राम का नाम, हरे कृष्ण व राम साधारण रूप में ये अर्थ है। लेकिन जब इसका विशेष अर्थ करते हैं ये राधा रमय तीति राम इसमें, इसलिए कहते हैं ये चैतन्य महाप्रभु ब्राह्मण को कह रहे, बोले बेटा चार युग है, चार युग में चार मंत्र है, इसलिए कलयुग का जो महामंत्र है ये हरे कृष्ण महामंत्र। इसलिए भागवत में है, भागवत में कहते आसन वर्णास्त्र जस्य गृह्णत अनुजुगम तनु शुक्ला रक्तस्तथा पीत इदानी कृष्ण ताम गत। बताओ ये श्लोक कौन बोल रहे हैं, बोले ये श्लोक कौन किसको कह रहे हैं? हाँ ये गर्गाचार्य नंद बाबा को कह रहे हैं, जब उन्होंने कृष्ण का नाम करण कर रहे हैं तभी गर्गाचार्य कह रहे हैं, बोले बाबा ये जो तेरे बेटा है ना, इसको साधारण मत समझो, ये बेटे को ये हर युग युग में आता है, तुम्हारे जो लाला हैं ये सत्य युग में हैं, सत्य युग में उसने शुक्ल वर्ण धारण करके आया था और त्रेता युग में ये रक्त वर्ण धारण करके आया था, और जब कलयुग होगा तुम्हारी जो बेटा है ना ये पीत वर्ण मतलब गौरव वर्ण धारण करके आएगा। इदानी कृष्ण ताम गत, अभी ये कृष्ण वर्ण करके आया, इसलिए इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा श्री कृष्ण नाम होगा। इसलिए कलि युग धर्म है नाम संकीर्तन, चार युग चारि धर्म जीवे कारण, कलि युग का युग युग धर्म हरि नाम संकीर्तन, और चार युग में ये चार धर्म हैं। कहते क्या कीर्ते जब ध्यायते विष्णु, तब ये तो हो गया चार युग का चार मंत्र, अच्छे तरह से सुन लो। लेकिन अभी जो संसार से अगर पार होना चाहते हैं, हैं फिर क्या कैसे कैसे प्राप्त करते, तो बोले कृते मतलब सत्य युग में ध्यान को द्वारा भगवान को प्राप्त करते थे, त्रेता के द्वारा यज्ञ को द्वारा, द्वापर युग में अर्चन को द्वारा, और कलि युग में हरिनाम संकीर्तन को द्वारा। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कलि युग केवल नाम आधारा और सुमिरी सुमिरी नर उतरेगा। कलि युग में केवल प्रभु का नाम को ही सुमिरण करते करते आप भव सागर से पार हो जाओगे। इसलिए राम ना सकही नाम भूल गाही, राम नाम की कृष्ण नाम की इतनी शक्ति, भगवान भी स्वयं अपने नाम को महिमा ठाकुर भी नहीं बोल पाते, इतने ये नाम की है। इसलिए कहते आर कौन धर्म कैले नाही है पार, महाप्रभु कहते देख ब्राह्मण अगर कलयुग में अगर कोई जीव और किसी धर्म का अगर जाजन करे तो वो संसार से पार नहीं हो सकता है, केवल हरि नाम से ही संसार से कोई पार हो सकता है। इसलिए क्या करो, बोले रात्रि दिन नाम लय खाईते सुईते ताहर महिमा वेद नाही पार देते। कहते क्या करनी चाहिए कलयुग में, देखो एक चीज गांठ बांध, इतना चीज अपना गांठ बांध कर ले जाओ बात पार, और कुछ करने नहीं चाहिए। क्या कहते हैं, कहते रात्रि दिन नाम लय खाईते सोईते, रात्रि और दिन में क्या करो, खाते सोवे सोते उठते बैठते क्या करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर ये हरि नाम कोई ग्रहण करता है, यहाँ कहते ताहर महिमा वेद नहीं पार दीते,
उसके जो महिमा ही जो है नाम महाप्रभु ने की सहन की वजन की बा जागरण उठते सोते बैठते कहते सोते समय भी क्या करो, सोते समय भी यही नाम कर लो। जो व्यक्ति ये नाम ग्रहण करते हैं बोले भैया चार वेद भी वो व्यक्ति की महिमा नहीं बाधा न कर सकते जो व्यक्ति हर समय भगवान के नाम जप करते हैं। इसलिए क्या करो, कहीं जाओ ना कभी ये माला को कभी छोड़ कर मत जाओ, कहीं भी जाओ इस साथ में ये माला को ले करके जाओ, हैं रास्ता में चल रहे हो हरिनाम करते करते जाओ, क्यों समय को बर्बाद करोगे। कहीं बाहर गए किसी गाड़ी में बस माला ले चलो, अंतिम समय पर ही नाम तो जाएगा और तुम जाएगा नहीं साथ में ना, सब तो यहीं आँख बंद होते ही सबके सब यहीं कहीं के धरा रह जाएंगे, सुई धागा भी नहीं जाएगी जितना माला जब कर रहे हो ना, है बोले पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इसलिए महाप्रभु कहते भैया नाम बिना जन भाई काल नहीं जाए, समय जैसे नाम के बगैर समय जैसे नहीं बीतनी चाहिए, हर समय हाथ में जो कुछ करो ठाकुर को नाम सेवा मान कर करो, हाथ में काम और मुंह में ठाकुर का नाम, हर समय इतना चीज अगर गांठ बांध लो बात इससे बेड़ा पार, और किसी को तरह बेड़ा पार नहीं हो। और यही धन जो यहाँ कर रहे हो ना, अब देखना जब इतना प्रभु का नाम ले रहे हो, महाप्रभु बताए ना लखपति नहीं बनोगे तो भजन नहीं करेंगे हैं, लेकिन ये नाम लेते लेते गए तो जितने प्रभु का नाम कर रहे हो सब ऊपर में रजिस्टर में सब लिख रहा है, सारे को सारे लिख रहे हैं। जब ऊपर जाओगे ना ये नहीं दिखेगा कितने दुकान मकान संपत्ति था, वो कुछ नहीं दिखेगा तुमको, वो वहाँ दिखेगा कितना तुमने ये नाम धन कितने कमाया, वहाँ के पूरा लिखा हुआ दिखेगा पूरा के पूरा। देखो उदाहरण देते हैं, आपसे एक प्रश्न करता हूँ, वृंदावन यहाँ से कितना दूर है, अगर गाड़ी में जाओगे तो कितना घंटा लगेगा वृंदावन, 3-4 घंटा समय लगेगा। अगर वृंदावन में 2-3 दिन के लिए जा रहे हो, वृंदावन में 2-3 दिन रहूँगा और वापस आ जाऊँगा, मेरे को उत्तर देना, मैं प्रश्न करूँगा। 2-3 दिन के लिए जा रहे हो वृंदावन में रह कर घूम फिर करके आएंगे, जब घूम फिर कर आओगे वृंदावन से, आप बताओ आपको यात्रा करते समय आपके पास में ऐसे कौन सा वस्तु रहे तुम्हारे पास में, जब आप यात्रा करोगे ना वृंदावन के लिए बड़े खुश होकर यात्रा करोगे, एक आनंद होकर यात्रा करोगे, लेकिन ऐसे की चीज अगर वो चीज़ नहीं हो ना बड़े दुखी होकर यात्रा करोगे, बताओ तो क्या चीज़ तुम्हारे पास होनी चाहिए। और बोले हाथ उठो, अरे वो तो बहुत बड़ी चीज़ है, साधारण रूप में बताओ क्या बोलो, कहती है पैसा। अगर यहाँ से यात्रा कर रहे हो लेकिन तुम्हारे पॉकेट गर्म है, पॉकेट गर्म है खूब पैसा, फिर आप सोचोगे कुछ नहीं तुम्हारे पास में पैसा है, बोले बढ़िया से बढ़िया होटल में रहेंगे एसी घर में रहेंगे, पैसा है ना, कपड़ा नहीं तो कपड़ा भी खरीद कर लेंगे, खाएंगे पिएंगे गोल गप्पे और लस्सी वहाँ मिलता है, ठाकुर का दर्शन करें खूब खाए, पैसे पॉकेट में पैसा, तुम्हारे पैसा गर्म पॉकेट है कोई चिंता नहीं रहेगा बड़े खूब, लेकिन यात्रा कर रहे हो तुम्हारी पॉकेट में एक भी पैसा नहीं, एक भी पैसा नहीं, बताओ यहाँ से जब जाओगे खुश होकर जाओ ना दुखी होकर जाओ, क्या रहेंगे कहाँ रहेंगे क्या खाएंगे हैं कहाँ पर, चिंता करते हो जब पैसा दे नहीं। देखो कहते केवल 2-3 दिन के लिए तुम यात्रा कर रहे हो लेकिन सबसे पहले देखते हो तुम्हारे पास में कितने पैसा माल कितने, उसको सबसे पहले देखते हैं। लेकिन जीवन में ऐसे एक यात्रा हमें करना पड़ेगा, सबको वो यात्रा करना ही है, एक दिन वो यात्रा सबको करना पड़ेगा, ऐसे कोई व्यक्ति नहीं जो यात्रा किसको करना नहीं पड़ेगा सबको, लेकिन कब करना पड़ेगा कोई नहीं बोल सकता। अभी कोरोना है ना, कितने यात्रा कर गए, किसको पता था इसी उम्र में कोई जाएगा, कोई पता नहीं था लेकिन यात्रा किया कि नहीं, एक दिन सब। लेकिन उसी समय में हमारे पास में ऐसे कौन सा धन हो और यात्रा करते समय ना बड़े खुश होकर जाएंगे, बड़े प्रसन्न दुखी होकर नहीं जाएंगे, कहते कौन सा धन, बोले प्रभु का नाम धन। अगर ये हरि नाम जिंदगी भर तुमने की ना, इसलिए कबीरा कहते कबीरा सब जगत निर्धन धन बनता जान वही, कबीरा कहते जगत में सब निर्धन है, धन बनता कौन है जिसको पास में राम नाम की धन जिसको पास में है, इसलिए कबीरा कहते हैं जगत में मरने में सब डरे लेकिन मेरा मन आनंद है, जगत में मरने के लिए सब डरते हैं, सब डरते बोले क्यों, इसलिए डरते हो बोले जानते हैं जीवन में तो भजन किया ही नहीं, डंडा मारते मारते जब दूध ले जाएगी नरक वो करना पड़ेगा,
पता नहीं कौन सा जीवन में जाना पड़ेगा, लेकिन कबीर कहते हैं भैया मैं तो बड़ा खुश हो रहा हूँ। बोले भैया मरने के लिए सब डर रहे तो खुश क्यों हो रहे हो? कबीरा कहते हैं जिंदगी भर मैंने प्रभु का नाम हमने जप किया है, हमें पता है हमारे लिए VIP व्यवस्था होगी, बढ़िया घर मिलेगा, वहाँ जा करके बढ़िया घर मिलेगा, हमें पता मेरे पास में माल ही माल है, ठीक है ना। इसलिए मीरा कहती है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इसलिए भैया सब भूल जाओ घर से जाते समय, माला मत भूला करो, रास्ता में चल रहे हो प्रभु का माला जप करते करते जाओ, जितने भजन कर रहे हो ना सब तुम्हारे ऊपर में लिख रहा है, ये मत समझ लिखने सारे को सारे लिख रहा है, और आपको ब्याज समेत ये धन मिलेगा। इसलिए यहाँ महाप्रभु कह रहे हैं, बोले देखो जो व्यक्ति रात्रि दिन नाम लाए खाए के सोईते, जो व्यक्ति हर समय उठते बैठते सोते प्रभु का नाम को जप करते हैं, तारे महिमा भेदे नहीं पार देते, ब्रजेंद्र नंदन भजे जय जन सफल जीवन तार, तार उपमा भेदे नहीं सीमा त्रिभुवन नहीं आर। भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं जो व्यक्ति कृष्ण भजन करते हैं उसका उपमा वेद भी उसकी महिमा गा नहीं सकते, इतने महिमा जो हरिनाम करते हैं। इसलिए कहते कलेर दोसनिधि राजन अस्ति एक महान है, जब उन्होंने परीक्षित महाराज कली को क्यों स्थान दिया, बोले कलयुग में दोष ही दोष है, कोई गुण है ही नहीं, लेकिन कलयुग में एक ही गुण है कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त वत परम ब्रज। अगर कलयुग में थोड़ी सी हरिनाम कर लिया तो बस भव सागर से बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए महाप्रभु कहते हैं जितने भजन हैं, जितने भजन रे मध्य श्रेष्ठ नव विद्या भक्ति, जितने भजन में सर्वश्रेष्ठ जो भक्ति, ये जो श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दास्य सख्य आत्मनिवेदन, 9 तरह का भक्ति, उसका सारांश लिया 5 तरह का भक्ति, उसका सार लिया श्रवण कीर्तन स्मरण, लेकिन उसको अंदर में सार जो सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, जितने साधन में जो सर्वश्रेष्ठ साधन हरि नाम कीर्तन है, निर अपराध नाम लय ले पाए प्रेमधन, अगर कोई अपराध को छोड़ करके हरि नाम को कोई ग्रहण करे तो इसी हरि नाम से ही कृष्ण मिल जाए, इसी हरि नाम से ही भगवत में मिल जाएगा। इसलिए महाप्रभु ब्राह्मण को कह रहे, बोले ब्राह्मण घर में जाओ, लेकिन घर में जाकर क्या करो, देखो एक अच्छी बात कहते हैं, बोले कुटी नाटी छेड़े करो श्री कृष्ण भजन, घर में जा करके कुटी नाटी समझते कि नहीं, छल प्रपंच निंदा चुगली हैं कुटी नाटी को मतलब खराब ना मतलब नहीं है, इसलिए भैया कुटी नाटी नहीं करनी चाहिए। कुटी नाटी मतलब क्या है, हम दिखाने के लिए अपने आप को एक दिखा रहे हैं लेकिन अंदर में और कोई चीज भी सोच रहे हैं, भैया भगवान कृपा नहीं करते। इसलिए भगवान राम कहते हैं छल कपट मोहे नहीं भावा, ये छल कपट व्यक्तियों को मैं पसंद नहीं करता हूँ, कृष्ण बंसुरी क्यों बजाते हैं, उसमें पोला है पूरा के पूरा, उसमें कुछ है ही नहीं, मतलब उसका हृदय खाली, तभी तो कृष्ण अपना स्वर को भर देते हैं। महाप्रभु कहते हृदय से कुटी नाटी को छोड़ो, छल प्रपंच को छोड़ो, हैं ऊपर एक दिखाओ और अंदर में और कोई सोच रहे हो, मेरे ऊपर उसको भी कृपा होती ही नहीं। इसलिए महाप्रभु कहते भैया ये कुटी नाटी को छोड़ करके क्या करो, साधन कहते साध्य साधन तत्व तो देखो छो सकल हरिनाम संकीर्तन पाई वे सकल, ये जो साध्य और साधन हैं तुम जो पूछ रहे हो जीवन का लक्ष्य क्या है और हमें करनी क्या चाहिए, जीवन का केवल एक लक्ष्य है कृष्ण प्रेम व कृष्ण नाम, और साधन क्या करे क्या, बल हरिनाम, हरिनाम ही यही साधन करो, जो मिलेंगे यही हरिनाम मिलेंगे, क्योंकि हरि से बड़ा हरि का नाम है, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि और भगवान के नाम में कोई फर्क नहीं। इसलिए महाप्रभु बड़े सुंदर सुंदर बात बताए, इसलिए और क्या बोलते हैं महाप्रभु हरि नाम को कैसे करनी चाहिए, कल हम इसी विषय पर सुनेंगे, जिसको करने से हमें एक दीप जरूर ठाकुर जी में प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। बोले बाल चाकुर हरे कृष्णा, क्या जी गोलगप्पे लाए ना, क्या कहाँ गया भैया, ए आ जाओ इधर आ जाओ, क्या नाम उसका, अरुण, हाँ क्या लाए आज, हे गोलगप्पे, देखो ठाकुर जी कभी कभी आपको ठाकुर जी हैं मैंगो शेक पिलाते हैं, कभी ठाकुर जी केले के शेक देते हैं, ठाकुर जी आज क्या बनाए,
अरे गोलगप्पे जामुन का रस बना है। देखो देखो इधर सुनो, जब चैतन्य महाप्रभु छोटे बच्चे थे ना, ध्यान देकर सुनो, जब छोटे बच्चे थे जब माताएं कीर्तन करती थी महाप्रभु जब देखने में बड़े सुंदर थे। अब जिन जिन घर में महाप्रभु जाते थे ना, महाप्रभु तो बड़े सुंदर, और बंगाल में एक संदेश मिठाई, अलग मिठाई, बड़ा सुंदर मिठाई, सब माताएं उनको मिठाई देती थी, लेकिन महाप्रभु नहीं खाते थे, वो मिठाई को रख लेते थे। बोले किसको देते थे? जब कुछ माताएं बैठ कर जो कीर्तन सत्संग करती थी महाप्रभु वहाँ चले जाते थे। तब माताएं पूछती थी, बोले निमाई तू यहाँ पर क्यों आए? अब बोले अभी अभी मेरे को बुला रही थी ना। बोले हमने कब बुलाए? बोले कृष्ण कीर्तन करना मतलब ठाकुर को बुलाना है। महाप्रभु वो मिठाई को सब भक्तों में देते, महाप्रभु कहते मेरे जो कीर्तन करते ना मैं उसको खूब मिठाई खिलाता, खूब मिठाई खिलाता। आप लोग कथा सुनने आते हो उसे ठाकुर जी का भी गोल को पहले आ ठाकुर जी, और कभी बढ़िया बढ़िया आम सेक और बनाना सेक करके खिलाते हैं, मिठाई खिलाते हैं। और हमारे जो चिराग ग्रोह का 4 तारीख को ना, हाँ चिराग ग्रोह का 4 तारीख को चिराग का जन्मतिथि है, इसलिए जन्मतिथि में हमारे चिराग प्रभु की इच्छा उसी दिन बढ़िया फीस्ट बनाएंगे, फ्राइड राइस बनाएंगे, छोले का सब्जी, अरुण भैया आकर बनाएगा और क्या। और प्रेमचंद प्रभु बोले तो मेरे तरफ से 8 किलो रसगुल्ला है। और क्या, और क्या रायता, और क्या वेजिटेबल रायता, और हाँ हाँ ये 4 तारीख को हाँ इनका जन्मतिथि है हमारे चिराग प्रभु का, इसलिए कह दो हम सारे बच्चों को हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 के लिए धीरे चलते।